हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतिमन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो की तरफ से वैकेंसी निकली है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट स्टूडेंट यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 24 अगस्त तक रहने वाली है। यहां आप लोगों को कई सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे गृह किराया भत्ता, यानी कि घर का जो है आप लोगों को यहाँ पर रहने को घर मिलेगा, परिवहन भत्ते मिलते हैं और पेंशन की भी सुविधा जो है यहाँ पर मिलेगी। सैलरी आपको 21,700 से और 59,100 रुपए तक जो है यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए रखी गई है। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या एज है, कैसे जो है वो चयन प्रक्रिया रहने वाली है। तो चलिए इसकी जो मेन वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जितनी भी यहाँ पर पद है, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत सरकार के आदेशानुसार गृह किराया भत्ता, परिवहन भत्ता जो है इसका भी भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक और अच्छी चीज है, इन श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों के सामने जो है जितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष जहां कहीं भी, ठीक है, यानी भारत के किसी भी स्टेट से आप हों तो यहाँ पर जो है वो आरक्षण आप लोगों को मिलेगा। ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और यहाँ पर अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की जो है छूट रहने वाली है। नियुक्ति होने पर जो है चयनित अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के भी लाभ के भोगी होंगे। वर्तमान मानदंडों के अनुसार इसरो अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षण लाभ प्रदान करता है, जैसे कि खुद आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा, कैंटीन सुविधा, पुस्तकालय, मुफ्त परिवहन, यानी सारी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। अब सबसे पहले जो है वो पोस्ट का नाम जो है वो हम देख लेते हैं। तो 10वीं पास के लिए जो है वो 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, एक तो कुक की है और फायरमैन एक ही है। सैलरी काफी अच्छी है यहाँ पर, 28,258 प्रति माह जो है यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए मिल रही है। साथ में और भी जो फैसिलिटी है, जैसे गृह किराया भत्ता है, परिवहन भत्ता है, कैंटीन की सुविधा है, ठीक है, मेडिकल की सुविधा है, तो ये सब जो है इसी जो है इसके अलावा है। 18 से लेकर 35 वर्ष जो है यहाँ पर कुक की रहने वाली है और 18 से 25 वर्ष जो है आयु यहाँ फायर मैन एक ही रहने वाली है। बाकी भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको आरक्षण का जो है यहां पर लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है वो केवल 10th जो है वो मांगी गई है। 36 जो पद कोड है, सहायक राजभाषा असिस्टेंट राजभाषा, तो यहां पर जो है वो अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर 36,200 प्रति माह आपको मिलेंगे और 18 से जो है वो 28 वर्ष जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है। इसके अलावा भी जो है वो कई पोस्ट हैं, जैसे कैटरिंग अधीक्षक है, नर्स बी की है, फार्मासिस्ट ए की है, रेडियोग्राफर ए की है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके की जो है वो डिप्लोमा डिग्री मांगे गए हैं। तो इनकी जो सैलरी जो है वो काफी अच्छी है, 50,268 है कैटरिंग सुपरवाइजर की, 63,758 नर्स बी की है, फार्मासिस्ट की 41,464 है और लैब जो टेक्नीशियन की जो है यहाँ पर 36,210 है। एज जो है यहाँ पर 18 से 35 है। तो यदि आप सहायक राजभाषा, रसोईया, फायरमैन, तो इसके लिए जो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th और केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो मैंने आप लोगों को पे स्केल और एज जो है वो दिखा दी है। अभी यहाँ पर जो है ये कहाँ से आई है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग से है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं 2 एडवर्टीजमेंट की। एक एडवर्टीजमेंट जो कि यहाँ पर शार की तरफ से है, ठीक है, SHAR। दूसरी एडवर्टीजमेंट जो है वह आपकी है यहाँ पर VSSC की तरफ से, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, जैसे यहाँ पर जो है सार में फायरमैन और कुक की अलग है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में अगर आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा तो आप अलग अलग आवेदन करेंगे, ठीक है, वहां पर पद कोड जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टीजमेंट नंबर SDSC सार, ठीक है, ये वाली जो है हम ओपन कर लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पर सहायक राजभाषा के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ लिखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपने 60% अंकों के साथ किया है, 60% मार्क्स के साथ, या आपने CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, जो कि CBSE में परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल रहता है, तो 10 अंक के पैमाने पर 6.32 के साथ आप अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो आप यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी जो है वो काफी अच्छी है। अन्य सुविधाएं जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही दी है, पेंशन की सुविधा भी है यहाँ पर। इसके साथ जो है यहाँ पर कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में प्रति मिनट में 25 शब्द की गति होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम जो है वो यही होने वाला है, हिंदी टंकण में प्रति मिनट 25 शब्द की जो है स्पीड यहाँ मांगी गई है और कंप्यूटर के उपयोग में जो है वो प्रवीणता होनी चाहिए। बाकी अंग्रेजी में अगर आप लोगों को टाइप राइटिंग की जो है नॉलेज है तो चलेगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुक के लिए कहा है इन्होंने कि जो है SSLC, SSC, मैट्रिक,
या 10वीं में उत्तीर्ण, ठीक है, कितने परसेंटेज के साथ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। प्रतिष्ठित तो होटल कैंटीन में रसोई का 5 वर्ष का जो अगर अनुभव है तो जो है आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर एसएससी का अर्थ क्या है, सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, और एसएसएलसी का अर्थ है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है वो भारी वाहन चालक में यदि आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जो है 10th मांगा गया है, ठीक है। फायरमैन के लिए जो है यहाँ पर फायरमैन की जो है वो दोनों एडवर्टीजमेंट में वैकेंसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो है वो मैट्रिक यानी 10वीं मांगा गया है, और साथ में जो है वो शारीरिक फिटनेस, ठीक है, फिटनेस जो है इसमें आप लोगों को पास होना है, जो एक स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का तो उसमें भी पास होना होगा। इसके अलावा भी जो है वो कई वैकेंसियां हैं जिनकी बात मैंने नहीं की है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो किस तरीके की है आप देख सकते हैं। कैटरिंग अधीक्षक जो है यहाँ पर होटल मैनेजमेंट में जो है यहाँ स्नातक मांगा गया है। इसके अलावा भी जो है और भी कई चीज़ें मांगी गई हैं। नर्स बी के लिए यहाँ पर नर्सिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा मांगा गया है। फार्मासिस्ट ए के लिए यहाँ पर भारतीय औषधालय परिषद द्वारा महाविद्यालय संस्था में कम से कम 2 वर्ष के दौरान औषधि पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, रेडियोग्राफर के लिए आपने जो है वो डिप्लोमा किया हो, ठीक है। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो है वो प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का जो डिप्लोमा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए, किसी भी स्टेट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्था में। लैब टेक्नीशियन दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के लिए यहाँ कहा है कि राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय दंत परिषद द्वारा महाविद्यालय या संस्था में कम से कम 2 वर्ष के दौरान, ठीक है, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी पाठ्यक्रम का डिप्लोमा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया हो। बाकी 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की मैंने आप लोगों को बता दी, सहायक राजभाषा है, कुक की है, और इसके अलावा जो है अगर आप ड्राइवर के लिए या फायरमैन के लिए जो है यहाँ एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन करिए। सुविधाएं जो है वो आप लोगों को काफी यहाँ पर मिलती हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो विज्ञापन संख्या SDSC शार भर्ती दिनांक 4/8/2023 को जो है ये विज्ञप्ति आई है, ठीक है। दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है वह आई है विज्ञापन संख्या VSSC 326 जो कि 29 जुलाई को आई है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग एडवर्टीजमेंट हैं, इसरो की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर फायरमैन के लिए जो सैलरी है 19,900 से 63,200, ठीक है। तो दोनों विज्ञापन में जो है सैलरी अलग अलग है। रसोईया जो है, कुक जो है, इसकी 19,900 से 63,200 है। अनिवार्य योग्यता यहाँ क्या मांगा है, 10th मांगा है दोनों में ही। तो नोटिफिकेशन दोनों का ही लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एप्लीकेशन करते वक्त। वेतन स्तर, अनिवार्य योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, पदों की संख्या, कार्य की प्रकृति आदि के लिए जो है आप लोगों को एडवर्टीजमेंट जो है वो अच्छे से देखनी होगी। 14 अगस्त तक जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दूसरी एडवर्टीजमेंट जो है उसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन जो है वो कहाँ करनी है, तो यहाँ वेबसाइट जो है वो इसका लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आप जो है आप लोग अच्छे से करेंगे। यहां जो लास्ट डेट है वह कही गई है, अभ्यर्थी को अंतिम तिथि जो है वो 24 अगस्त तक जो है वो आवेदन जमा करवा लेना है। आवेदन कैसे करना है तो बाकी सारी डिटेल जो है यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, और बहुत ही साधारण सा जो है यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो जो पद क्रम संख्या है तो अलग अलग जो है यहाँ पर आवेदन दिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कैटरिंग अधीक्षक और नर्स बी के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 250 रुपये जो है वो आप लोगों का यहाँ पर लगेगा, ठीक है, जो कि वापस नहीं होंगे। आगे बढ़े, यद्यपि प्रारंभ में सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से 750 रुपये प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग प्रक्रिया आरंभ शुरू भरना होगा। प्रक्रिया आरंभ शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों को वापस दिया जाएगा जो कि रिटर्न एग्जाम में उपस्थित होंगे। तो अभी जो है यहाँ पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित आपका एग्जाम होगा। सेंटर जो है, परीक्षा केंद्र का जो शहर वो क्या रहने वाला है, यदि आप एप्लीकेशन करेंगे तो सेंटर जो है वो आप जयपुर भी रख सकते हैं, लखनऊ, पटना, नई दिल्ली, अहमदाबाद, ठीक है, जो भी आपके नजदीक पड़ रहा हो, जहां आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं, तो ये जो है वो सेंटर आपका रहेगा, क्योंकि साउथ में जाने में जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और जो साउथ के स्टूडेंट हैं तो वह अपने शहर का जो है वो परीक्षा केंद्र जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो एक लिखित परीक्षा होगी और जो है वो कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है वो आपके पद से संबंधित होगा। अब सहायक राज भाषा की अगर आप लोग फॉर्म डालते हैं तो यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा क्या रहेगा, तो बहुत आसान है, हिंदी भाषा और व्याकरण रहेगी आपके, 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश रहेगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन मैथ रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगी, 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है यहां पर जो रीजनिंग रहेगी वह भी 50
यहाँ पर प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। समय जो है वो आप लोगों को 120 मिनट लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। बाकी जो है आप लोग कंप्लीट जो है वो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसका जो है वो आप लोग डिटेल में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो है इसकी मेन जो वेबसाइट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग की, तो उसके करियर सेक्शन में आपको आना है। रिक्रूटमेंट नोटिस में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दोनों ही दी गई हैं, ये सेकंड नंबर वाली और यहाँ पर थर्ड नंबर वाली, ठीक है। बाकी फोर्थ नंबर का जो मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पर टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन टीचर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग अगर यहाँ पर टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।